बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं किचन में हूँ। अभी मैंने अपना इससे पहले वाला ब्लॉग जस्ट फिनिश किया, और अक्सर ऐसा होता नहीं है कि मैं कोई ब्लॉग फिनिश करूँ और नया शुरू कर दूँ, अक्सर एक या दो दिन बाद शुरू करती हूँ। पर आज कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी थी जो मैंने पिछले ब्लॉग में बोली थी कि आप लोग को दिखाऊंगी, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। दो चीज़ें थी दिखानी थी, और मैं अपना छोटा वाला ट्राइपॉड सबमिट कर रख रही थी, तो पहले इसको डालती हूँ और दिखाती हूँ आप लोग को कि मेरे पास जो है रिव्यू के लिए क्या आया था, जो मैंने बताया था कि अभी बाहर रखा है। तो रिव्यू के लिए मेरे पास आया है ये है गिलोय की लकड़ियाँ। एक्चुअली ये पैकेट में थी, तो मैंने जो है इनको खोल कर रख दिया क्योंकि हल्की सी स्मेल आ गई थी, और ये 10 दिन से जो है रास्ते में ही थी, तो इसे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि स्पीड पोस्ट से आया, और गवर्नमेंट से जब आता है कोई चीज़ तो आपको ही पता है टाइम ज़्यादा लगता है। ये गिलोय की लकड़ियाँ हैं और हर्बल प्रोडक्ट है एक, जो हमारे मेरे पास आया है उदयपुर से। उदयपुर में एक मतलब हर्बल काम करने वाले एक शंभू कुमार जी हैं, उनका मेल आया था कि उनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आयुर्वेदिक चीज़ों से, हर्बल चीज़ों से, या फॉरेस्ट में जैसे लकड़ियाँ वगैरह होती हैं उस टाइप की चीज़ें, उससे जैसे चॉपिंग बोर्ड बनाना, कोई और प्रोडक्ट बनाना, ऐसे ही गिलोय का भी उनका काम है। तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको गिलोय भेजूँगा, आप उसके लिए एक कुछ काढ़े का वीडियो या कुछ भी अलग टाइप का वीडियो बनाना। तो मैंने बोला था ठीक है। तो ये आज 10 दिन बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला, और जैसे मैंने पैकेट खोला तो हल्की सी, बहुत हल्की सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कीली चीज़ें होती हैं उसको पैकेट में बंद करते हैं तो एक स्मेल से आती है। तो मैंने इसको खोल के न्यूज़पेपर पे डाल दी कि थोड़ी हवा लगेगी, सही हो जाएगा, और देखती हूँ फिर इसका शाम तक या फिर कल तक जैसे भी है वीडियो बनाऊँगी। और ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल है, पेड़ से तोड़ा हुआ और हर्बल प्रोडक्ट है। अब मैं इसका ग्रीन दिखाती हूँ इसको आपको, ये देखिए अंदर से एकदम ग्रीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और गिलोय आपको ही पता है, गिलोय के फायदे आपको ही पता है, खासकर इस कोरोना के टाइम पर कि जब गिलोय का काढ़ा वगैरह पीते हैं तो अगर आपको फीवर है तो फीवर दूर हो जाता है। मैं पिछले साल ऐसे ही पिछले साल डेंगू में पड़ी थी, और मैंने गिलोय का काढ़ा पी पी कर अपनी तबीयत सही करी थी, मतलब पूरा डेंगू मेरा सही हुआ था, दवा से नहीं सही हुआ बल्कि गिलोय से सही हुआ। तो मुझे गिलोय पर पूरा भरोसा है, और ये इतनी सारी लकड़ियाँ हैं तो डेली जो है घर में अब सब काढ़ा पियेंगे इसका। वैसे भी हम लोग जो काढ़ा बनाते थे उसमें बहुत थोड़ा सा गिलोय डालते थे, पर ये आयुर्वेदिक चीज़ है, एकदम मतलब तरीके से आई हुई चीज़ है, जहाँ से आया है वो लोग अच्छा प्रोडक्ट भेजते हैं। तो मैंने कहा चलो घर में यूज़ करूँगी और इसके बारे में सबको बताऊँगी। तो ये आया है, इसका काढ़ा बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी। ये था, दूसरी सब्जी बन गई थी, मैंने कहा सब्जी की शक्ल दिखा दूँ, सब्जी प्रतिदेव ने बनाई थी। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब्जी बना रहे थे, मैंने कहा चलो सब्जी खोलूँगी तो उसकी शक्ल शेयर कर देती हूँ। और बड़ा मज़ा आता है जब पतिदेव लोग काम करते हैं आपके लिए कुछ बनाते हैं और आप उसको फिर बताते हैं दो लोगों के बीच में, तो आई होप अच्छा लगता है। हर लेडीज़ ये चाहती है कि उसका पति कुछ करे और वो उसे चार लोगों में बताए, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए पहले कैमरे को बैक करके आप लोगों को सब्जी की शक्ल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है, अच्छी बनाई है इन्होंने अपने हिसाब से, और इसे रोटियों से खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ग्रेवी हल्की रखी है, मैंने बोला था कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखना, तो अच्छी लग रही है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो हम सब जा रहे थे खाना खाने, मैंने कहा चलो शक्ल दिखा देती हूँ, नहीं तो अफसोस होता है कि उन्होंने कुछ बनाया और मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। आज जब मैं मार्केट गई थी, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने देखा होगा पिछला ब्लॉग, तो मैं ढोकला लेकर आई थी, और ये 1 किलो ढोकला था। दिया एक्चुअली बोल रही थी कि ढोकला खाना, तो कल शाम को तो नहीं आ पाया था, तो आज हम लोग निकले थे तो मैंने इनको बोला चलो ढोकला ले लेते हैं, नहीं तो बच्चों के मन में रह जाता है कि मैंने बोला और मुझे लाकर किसी ने खिलाया, नहीं तो मैंने कहा मार्केट निकले हैं तो ले लेते हैं। और यहाँ पर जलेबी, समोसा, ढोकला, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में मिलती है हमारे शहर में, शाम को नहीं मिलता। मैंने कहा चलो निकले हैं तो ले लेते हैं। और यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर ढोकला बहुत अच्छा मिलता है, खमर वहाँ का होता है तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने कहा चलो घर पर ले आ रहे हैं, ज़्यादा ले आते हैं सब खा लेंगे। और जोमेटो पे देखा था तो ये शॉप की डिलीवरी जोमेटो से वाले नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो हम लोग निकले हैं तो हम ही लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ढोकला मैं सर्व कर रही हूँ, और यहाँ पर ढोकला देते हैं थोड़ी सी कढ़ी के साथ, तो कढ़ी तो देखती हूँ कौन खाएगा, बाकी ढोकला तो सब खा लेते हैं। यहाँ पर ढोकला निकाल कर रख दिया है प्लेटों में, मिर्ची भी है साथ में, आप लोग भी खा लीजिए। ये खमन ढोकला बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए ज़्यादातर मैं मार्केट से ही लेकर आती हूँ, और मुझसे ऐसे परफेक्ट बनते भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो मार्केट से ले आते हैं।
तो इस माँ ने सब खा लेंगे। तो चलिए हम लोग ढोकला खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, सबको देती हूँ खाना, थोड़ा सा रुक कर खा लेंगे। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो देखिए अभी मैं किचन में हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने बनाया है गिलोय के काढ़े का वीडियो, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था कि गिलोय आई थी रिव्यू वीडियो के लिए। और जब मैंने इसका काढ़ा बनाया तो मैं बहुत डर रही थी कि कैसा लगेगा। एक्चुअली हम लोग काढ़े में सुबह गिलोय तो लेते हैं पर बहुत थोड़ा सा लेते हैं, पर मैंने आज इस पूरी 1 गिलोय का, मतलब इस तरीके से जो पीसेस आए हैं उनका पूरे गिलोय का, लगभग 4 छोटे कप से, इस कप से मैंने 4 कप काढ़ा बनाया। और थोड़ा डर डर के जब मुंह से लगाया तो पता चला कि इतना ज़्यादा टेस्टी है, मतलब जिस तरीके से मैंने काढ़े की रेसिपी दी है थोड़ी सी डिफरेंट है, जो मैं रेगुलर में आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर करी है उससे डिफरेंट है। तो आप लोग ये काढ़े की रेसिपी जरूर चेक करिएगा, मेरे चैनल पर शायद ब्लॉग से पहले आ जाएगी। तो इस तरह के कप में मैंने 4 कप निकाले, थोड़ा सा महावीर भैया को भिजवाया टेस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत पसंद है। और काढ़े का जो मेन कलर है वो ये है, क्योंकि ये व्हाइट ग्लास है, तो ये इनका था जो ये पी रहे थे। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ काढ़े का वीडियो। तो आप लोग ये वाले काढ़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, गिलोय आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो में इसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस गिलोय काढ़ा को गिलोय को परचेस करने के लिए। और साथ ही आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा जिस पे गरिमा लिखा होगा, आप वहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। और ये गिलोय जो है नीम गिलोय है, ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक गिलोय है, तो इसका स्वाद एकदम अलग है, बहुत ही बढ़िया है। हमें तो लगा था कि हम कैसे पियेंगे और वीडियो तो बना लिया पर पी नहीं पाएंगे, पर अभी हालत ये है कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दीदी वहाँ पी रही है तो इन्होंने बोला कि यार तुम मतलब झूठ ही डर रही हो, बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ ये बात, अगर टेस्टी है तो मेरे साथ साथ बाकी सब लोग भी पी सकते हैं। आप पी के बताओ कैसा है, इनकी आवाज़ आप लोग सुनिएगा, ये बोलेंगे कैसा है, बताओ पी के। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। काढ़ा भी आजकल टेस्टी होने लगा है। एक्चुअली गिलोय का काढ़ा जो बनता है, आप जो भी रेसिपीज पाएंगे वो यही होता है कि गिलोय को पानी में डाला, अच्छे से पकाया, पानी को छान लिया, पी लिया। क्योंकि जब मुझे डेंगू हुआ था तो इन लोगों ने भी ऐसा ही काढ़ा बना कर दिया था, तो मैं गिलोय के नाम से ही आज तक भयभीत थी कि बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत कड़वा होता है, कैसे पियेंगे। पर अभी जब मैंने ये वाला काढ़ा बनाया, अपने तरीके से इसकी बढ़िया सी रेसिपी निकाली और इसमें कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें डाली हैं, ऐड करी हैं, जिनकी वजह से काढ़ा बहुत ही टेस्टी है, तो फिर मुझे समझ में आया कि गिलोय उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं, जितना जानते हैं। तो गिलोय का काढ़ा आप लोग भी ट्राई करिएगा, और वैसे भी इस कोरोना के टाइम पर गिलोय का काढ़ा नहीं पिया तो क्या पिया। तो अपने आप और सबको बचाने के लिए गिलोय का काढ़ा पीजिए। तो चलिए अभी मेरा दूसरा रेसिपी वीडियो चल रहा है जो मैं बना रही हूँ, करेले की सब्जी। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसको अभी शूट करना बाकी है, वो उसकी शूट चल रही है, काढ़े का वीडियो पूरा कर लिया। तो चलिए ये सब काम खत्म करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी यहाँ पर अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर मैं अपनी वो रेसिपीज़ 1 by 1 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग्स में, जो कि मैंने बनाई थी ग्राफी ऐप के लिए, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था 2-3 ब्लॉग पहले कि मैंने ग्राफी के लिए अपनी 5 स्टार्टर रेसिपी शेयर करी थी। तो पहली रेसिपी जो थी वो पनीर टिक्का मसाला थी, जो तवे पर बनाई थी, और उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने यहाँ पर ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो जो अपनी नेक्स्ट रेसिपी है जो मैंने बनाई थी नूडल्स टिक्की, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्लिप्स बने हुए पड़े थे, तो मैं आप लोग के साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो नूडल्स टिक्की के लिए मैंने लिए हैं बॉयल नूडल्स, जो नूडल्स हमारे होते हैं चाउमीन वाले हक्का नूडल्स, वो मैंने बॉयल करके लिए हैं। साथ ही उबले हुए आलू लिए हैं, हरी मिर्च डाली है, रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और बहुत ही लिमिटेड मसाले जाते हैं इस टिक्की के लिए, और है जीरे का पाउडर, आप भुने जीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट। तो बस इतनी ही चीज़ों में ये टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ग्रीन कोरिएंडर है और आप वो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत थोड़ी सी सौंफ जा रही है, क्योंकि सौंफ से इस टिक्की का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और हाथों से दबा दबा कर मिक्स करें, जैसे कि नूडल्स थोड़े से छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, क्योंकि जब हम उबालते हैं तो नूडल्स टूटते नहीं हैं, वो उनके टुकड़े बड़े ही होते हैं। और आलू भी उतना ही लें नूडल्स से कम, जैसे मैंने 1 कप नूडल्स लिए थे तो मैंने सिर्फ 2 या 3 आलू लिए थे, नूडल्स से ही कम, नूडल्स इसमें ज़्यादा होगा आलू कम होगा, तो कुछ इस तरीके से रेशियो होता है इस टिक्की का। और सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के बाद हाथों पे तेल लगाएं और टिक्की की शेप दे देंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जो क्लिप है वो आपको लंबे में दिख रही है, क्योंकि जब ग्राफी ऐप के लिए हम लोग शूट करते हैं तो वो इसी तरीके से लंबी क्लिप होती है। तो बस आप लोगों के लिए मैंने ब्लॉग में क्लिप डाल दी, और यहाँ पर टिक्की बनाकर हमारी तैयार हो गई है। सारी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं उतने मिक्सचर से प्लेट में, और लगभग 12 से 13 टिक्कियाँ तैयार हुई थी। और इसके बाद से पैन लिया है, पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया है, और जैसे नॉर्मल टिक्की सेकते हैं उसी तरीके से सेकना है,
मीडियम फ्लेम पर पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें, टिक्कियों को फैला दें और फिर मीडियम फ्लेम पर इस टिक्कियों को फ्राई करेंगे। जो नूडल्स होते हैं वो काफ़ी क्रिस्प बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। इस तरह की टिक्की कभी आप घर में किटी पार्टी हो, बच्चों के लिए या फिर गेस्ट आ जाते हैं या खुद को भी खानी होती है तो इंस्टेंट रेसिपी है, बनाकर खा सकते हैं। फ्रिज में उबले नूडल्स पड़े होते हैं अक्सर हमारे घर में और बस बॉयल आलू डाला और इस तरह की टिक्की बना ली, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग ट्राई करना। और आप लोग को और भी कोई रेसिपी देखनी होगी तो बताना, वैसे मैं ग्राफी पे अपनी शेयर की हुई बाकी की 3 रेसिपीज वो भी किसी किसी दिन ब्लॉग में डाल दूंगी। जब भी मेरे ब्लॉग्स मुझे लगेंगे कि थोड़े छोटे हैं, आप लोग थोड़ा सा और देख सकते हो, तो मैं अपनी वो रेसिपीज डाल दिया करूंगी ब्लॉग में। ये ब्लॉग एक्चुअली छोटा बना था तो मैंने कहा चलो रेसिपी शेयर करके ब्लॉग को थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ, और इस बहाने आप लोग को नूडल्स टिक्की की रेसिपी मिल जाएगी। तो अभी हमारी नूडल्स टिक्की एक साइड से काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुकी है, इसे मैं पलट रही हूँ और पलट के भी सेम तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो बस हमारी टिक्की जो है फ्राई हो रही है और ये रेड रेड टिक्की सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। और देखिए नूडल्स टिक्की हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी से बनकर तैयार है और रियल में ये टिक्की बहुत अच्छी बनती है। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, फूड रेसिपी वाले चैनल पर, तो इसलिए मैंने वहाँ पर शेयर नहीं किया। ये रेसिपी मैंने लगभग 5 से 6 महीने पहले वहाँ पर शेयर करी हुई थी, ब्लॉग में आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारे सब्सक्राइबर कुछ बोलते हैं तो मैं उन बातों को गौर करती हूँ, ध्यान देती हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और वो चीज़ को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर आप लोगों के लिए टिक्की की रेसिपी है और रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अब इसके बाद से जो क्लिप आएगी वो है कड़ा बनाने के नेक्स्ट डे की, जब मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम कर रही थी। और देखिए मैंने कुर्ता वही डाल रखा है क्योंकि जो मैंने कुर्ता पहन के वीडियो बनाया था फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैं पहन के सो गई थी। और अभी हॉल वाला जो बेड है वहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो कभी कभी बच्चे जो है कोई बेडशीट वगैरह उठा कर ले आते हैं और उनसे जो है ओढ़ ओढ़ के खेलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हटा दी हैं और ये बेडशीट जो है मैं वापस से डाल दूंगी। और ये बेडशीट थोड़ी मोटी है, जानबूझकर डाली है हॉल में, क्योंकि बच्चे दिन भर कूदते हैं तो सिकुड़ जाती है कोई नॉर्मल बेडशीट होती है तो, और इसे हल्का सा झाड़ कर ही वापस से टक कर दूंगी। और ये डबल बेड की बेडशीट है जो मैंने यहाँ सिंगल बेड पर बिछाई हुई है और मेरी शादी के टाइम की है, मैं मायके से लेकर आई थी ये बेडशीट, और काफ़ी अच्छी कढ़ाई है इसमें। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही थी और डालते समय मेरे हाथ जो है बार बार, मतलब जो मेरे हाथों में छोटे छोटे फफोले हो गए थे जो मैं जल गई थी, मैंने आप लोग को दिखाया भी था ब्लॉग में, तो सीधे हाथ की उंगली पर ही था। तो अभी आप देख रहे हैं मैं बार बार अपने फिंगर देख रही हूँ, एक्चुअली बार बार चादर को फोल्ड करते टाइम हाथ लग जा रहा था तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे से फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, तो वो फफोलों की वजह से सीधे हाथ में छोटे छोटे फफोले हैं जिस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। तो अभी इसके बाद से जो है ये डस्टिंग करूँगी और सारे रूम का थोड़ा थोड़ा जो भी सामान वगैरह बिखरा होता है वो लगा कर, और फिर सबसे लास्ट में झाड़ू निकालती हूँ कि जो बाकी का काम है वो कर लूँ। और दीदी जो है नाश्ता बना रही थी, कुछ पराठे वगैरह बनाने थे तो दीदी वो बना रही थी, और इसके बाद से अपने रूम में जाऊँगी, रूम में एक दो चीज़ें हैं वो समेट कर रखूँगी, पर्दे वगैरह उठा दिए हैं आप देख रहे हैं, और खिड़की पे दिया कि बहुत सारे खिलौने होते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे पर जब बच्चे घर में होते हैं तो रूम की यही हालत होती है सबके, जितनी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके रूम की शायद ऐसे ही हालत होती होगी, वापस सही करो वापस से ऐसे ही हो जाता है। और दिया भी हॉल में खेल रही थी मोना के साथ, और यहाँ पर कंबल जो है वो तय करके रख दी है, और जो मुझे एक्स्ट्रा खिलौने उसके लगे वो मैं लेकर उसके रूम में जाऊँगी। तो ये सारे उसके क्रिकेट वाला जो गेम आया था उसके पापा लेकर आए थे, और उसके रूम में आई तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ की बेडशीट चेंज करनी है, तो ये दिया के रूम की यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। दिया की फेवरेट बेडशीट जो है ये मिकी माउस वाली वो बिछाऊंगी, वो भी ब्लू कलर में, ब्लू उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ भी बिछाते समय वही प्रॉब्लम आई कि मुझसे अकेले बिछाया नहीं जा रहा था, उसके बाद से मैं गई फिर इनको बुला कर लाई कि थोड़े से हेल्प करा दो, और डबल बेड की बेडशीट होती है और हाथों में कोई दिक्कत हो तो बिछाने में प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर ये बेडशीट बिछाऊंगी और इसके बाद से करूँगी अपना झाड़ू का काम और पोछे का काम, उसके बाद से फिर नहाना वाना होता है, मैं वीडियो की तैयारी वगैरह करके फिर नहाने जाती हूँ, उसके बाद से आती हूँ वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो अभी अभी मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं, और गद्दे को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा खिसका लेते हैं, उससे क्या जो सिरहाने की साइड है वहाँ पर थोड़ा सा बेडशीट का पार्ट जो है दबा देती हूँ तो वो बेडशीट खुलती नहीं है, निकलती नहीं है। पर अभी जब बेडशीट बिछाया तब हमें लगा कि हमने साइड जो है गलत कर दी है बेडशीट की, तो वापस से अब जो है आप देख रहे हैं कि हम लोग वापस से बेडशीट उठाकर इसे मोड़ेंगे और थोड़ा सा साइड चेंज करेंगे, फिर लंबा वाला पार्ट जो है सिराने के साइड आएगा। तो कभी कभी हो जाती है ऐसी कन्फ्यूज़न, इसलिए जो है फिर अब हम लोग वापस से चेंज कर रहे हैं, वापस से गद्दे को खींचा है और इसे मैं चढ़कर सिराने के साइड मोड़ दूंगी, तो काफ़ी अच्छे से बेडशीट रहती है कि बच्चे खेले भी या दिया को बैठकर पढ़ाती भी हूँ तो बेडशीट ख़राब नहीं होती है। तो बस अब यहाँ पर बेडशीट बिछ गई है और उसके बाद से झाड़ू वगैरह का काम शुरू करना है मुझे। तो आप देख रहे हैं ऐसी हालत में घूम रही हूँ बिना नहाए धोए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फेस नहीं दिखा रही थी, मैंने कहा बिना नहाए कैमरे के सामने आना उतना अच्छा नहीं लगता। और अब झाड़ू लेकर आ गई हूँ अपने कमरे से, तो यहीं से शुरुआत करती हूँ झाड़ू की और इसके बाद से बाकी घर में झाड़ू लगाती चली जाती हूँ।
और अब झाड़ू की बात करें तो ऐसी आदत पड़ गई है कि आलस नहीं आता, डेली सुबह झाड़ू लगाने की पोछा करने की आदत पड़ गई है। और दाई की कमी बिल्कुल नहीं खलती क्योंकि डिश वॉशर है बर्तनों के लिए और झाड़ू पोछे का काम ही बड़ा है, तो वो मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद से जो है नहाऊंगी, दूसरा ब्लॉग अपना शुरू करूंगी इसके बाद से, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो गेस्ट कौन है आने वाले हैं तो आप लोग को आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं तक है, छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? और ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं बेड पे मोना के छोटे छोटे पाँव, मोना यही बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो बस चलिए आपसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।